सहरसा जिले के भेड़धारी महावीर नगर स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। यहाँ प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार ने पैरोटिड ग्लैंड के ट्यूमर का सफल सर्जरी कर मरीज को नया जीवन दिया है। दरअसल मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा अंतर्गत विश्वाड़ी निवासी ब्रह्मदेव यादव के 15 वर्षीय पुत्र रणवीर कुमार को गले के पास सूजन हो गया था और असहनीय दर्द के कारण वो गले को हिला भी नहीं पा रहे थे। परेशान परिजनों ने रणवीर को कई डॉक्टरों के पास दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान उन्हें किसी ने सहरसा स्थित श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। यहां आने पर उन लोगों की मुलाकात सर्जन डॉक्टर संतोष कुमार से हुई। डॉक्टर संतोष ने इस केस को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और आर्थिक रूप से कमजोर इस मरीज का आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क इलाज किया गया। सुनिए क्या बता रहे हैं मरीज रणवीर के परिजन। की परेशानी बेल रहे पेशेंट के रणवीर कुमार का 2 साल पहले अपन फुंसी तरह रहे ओकर बाद धीरे धीरे बड़ा भेल जा रहे और दर्द नहीं करे रहे मांस बड़ा भेल जा रहे मांस आए बड़ा है के बाद में कभी कभी कहे रहे जो हमारे गला घूमे में दिक्कत है नर्स तो अलिए डॉक्टर साहब को देखे लगे पहले मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में देखे कहलक कैंसर के रोग आगू चल के तैयार भए जेतें ओत 25-30 हज़ार टका मांगलक है प्राइवेट में कहलक जाए जितेंद्र बाबू कल टका नहीं है तब अलिए तब आयुष्मान पर इलाज करने की नाम मिला नाम हमारे संजीव कुमार यादव पेशेंट के छो रणवीर के जीजाजी बलिए। डॉक्टर संतोष कुमार के नेतृत्व में श्री नारायण मेडिकल इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल में हुए इस सर्जरी के बाद मरीज रणवीर कुमार अब काफी सहज महसूस कर रहा है। डॉक्टर संतोष कुमार ने कुछ बातें द बिहार बुलेटिन से साझा की है, आप भी सुनिए। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग केस किया गया है, मैंने किया है कुछ 2-3 दिन पहले किया है और ये पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर है। पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर जिससे हम सलाइवा निकलता है तो दो पेयर होते हैं, दो साइड में होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में होते हैं, ईयर के पास होते हैं, ईयर लोब के पास। तो इस ट्यूमर में जो सर्जरी में जो प्रॉब्लम है वो फेशियल नर्व पैरालिसिस होने का, फेशियल नर्व डैमेज होने का, जिसकी वजह से आँख का पलक गिर जाएगा, रिंकल नहीं यहाँ पे नहीं आएंगे, फेशियल एसिमेट्री हो जाएगा, लिप्स नीचे गिर जाएगा, तो तरह तरह के प्रॉब्लम आएंगी इस पेशेंट जो लार टपके के नीचे गिर जाएगा तो तरह तरह की प्रॉब्लम आती है। और तो एक फ्रेश सिंड्रोम हो सकता है कि जिसमें आप खाना खाएं, जैसे ही खाना खाएंगे यहाँ से भयानक स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगा, ये सब प्रॉब्लम आता है। तो ये सब प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए थोड़ी सी आपको अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए और आप कड़े होने चाहिए। तो मैंने रिसेंटली 3 दिन पहले एक सर्जरी किया, सेम सर्जरी किया। एक 15 साल का रणवीर कुमार, 15 साल का लड़का है जो ग्वालपाड़ा का रहने वाला है, जिसका पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर लेफ्ट साइड में बढ़ा हुआ था, जिसकी जिसकी डायग्नोसिस मैंने प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा, जो बेनाइन ट्यूमर मोस्ट कॉमन पैरोटिड ट्यूमर होता है पैरोटिड ग्लैंड का, अल्ट्रासाउंड में भी वही आया और एफएनएससी में भी वही आया, और उसकी मैंने सुपरफिशियल पैरेटेक्टमी किया है जिसमें पूरा फेशियल नर्व इंटैक्ट है, कोई न्यूरो पैरालिसिस, कोई नर्व इंजुरी कुछ नहीं है। पेशेंट फैंटास्टिक रूप में इम्प्रूव किया है और कोई फेशियल एसिमेट्री नहीं है, खाना खा रहा ठीक से है और 2 दिन के बाद हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। कोई नेक्रोसिस नहीं, कोई हेमेटोमा नहीं, नो फीचर्स ऑफ फ्रेश सिंड्रोम नथिंग, पेशेंट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। और इस एरिया में मेरे द्वारा शायद पहला केस किया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है।